क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू डिटेक्ट अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप. दोस्तों, यहां पे हम जो कंपाउंड है ना, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो डिटेक्ट करने जा रहे हैं. फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने नहीं जा रहे, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, सो सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन को. आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड, उसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, अगर वो आपको पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे बेटा. तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम देखिए हमारे पास ये हो गया बर्नर, ये हमारा हो गया टेस्ट ट्यूब. उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है बेटा आपको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेना है, है ना. आपने कंपाउंड ले लिया जिसके लिए आपको डिटेक्ट करना है उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है या नहीं है. और आपने बेटा क्या ऐड किया अंदर, देखो, ड्राई CuO, ठीक है बेटा. फिर आगे क्या ऑब्जर्वेशन लेने हैं मैं आपको बताता हूं. चलिए, यहां तक क्लियर ना. सॉरी, कार्बन के अंदर हमें वैसे पता नहीं था कि कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट है, पर क्योंकि हम अभी कार्बन को ही डिटेक्ट कर रहे हैं इसीलिए हमने कोई कंपाउंड लिया है जिसके अंदर कार्बन है. तो उसके अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड ऐड किया, ड्राई कॉपर ऑक्साइड. उसको हम हिट करेंगे बेटा बर्नर से, तो कॉपर मेटल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखा है, आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कन्फर्म होगा लाइम वाटर से. लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो हमें कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा. जी हाँ बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, ऐसा यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे कार्बन है ऐसा कन्फर्म हो जाएगा. चलिए, हाइड्रोजन कन्फर्म कैसे होगा, तो जैसे ही आपने CuO ऐड किया ऐसे ही यहाँ पे कॉपर और H2O अलग हो जाएगा. वाटर ड्रॉप्स टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू, है ना. तो जैसे मैंने बताया, कार्बन का प्रेजेंस चेक किया हमने लाइम वाटर ऐड करके, मिल्की हो गया, तो समझ लेंगे कार्बन प्रेजेंट है. मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट. और यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, एनहाइड्रस वाइट जो कॉपर सल्फेट था वो हाइड्रस कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होगा जो ब्लू है, तो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, अंदर क्या ऐड करना है मैं रिपीट कर देता हूँ, ड्राई CuO ऐड करना है. फिर क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन लेने हैं बेटा. ऑब्जर्वेशन क्या लेने हैं, तो हमें सबसे पहले कॉपर सल्फेट जो है ना ऐड करना है इसके अंदर. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड करने पे अगर वाइट जो था कॉपर सल्फेट वो ब्लू हो गया बेटा, तो कंफर्म हो जाएगा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. और अगर हमने लाइम वाटर ऐड किया और वो लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया ना बेटा, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है इन अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा. आई होप ये पेज आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट होता है ये आपको समझ आ गया होगा. चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं. डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट आपको डिटेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ये सब अगर आपको डिटेक्ट करना है बेटा, तो यहाँ पे हम लेसाइन टेस्ट करेंगे. याद रखना है यहाँ पे क्या करना है, ये सब एलिमेंट डिटेक्ट करने के लिए लेसाइन मेथड करेंगे. चलिए बेटा,
अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर लेसाइन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है। तो लेसाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे होता है ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पूरा थ्योरी जो है हाउ टू प्रिपेयर लेसाइन सॉल्यूशन है ना वो मैं आपके सामने यहाँ पे अब प्रोसीड कर रहा हूँ, पूरा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर लेसाइन सॉल्यूशन आपके स्कूल्स में हुआ ही होगा, बट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले फ्यूजन ट्यूब लेना है। क्या लेना है बेटा? फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब ये रहा देखो आपके सामने। चलो, उसके अंदर हम लेंगे स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई सोडियम। ये जो पीस है ना, ये ड्राई सोडियम के पीस मैंने अंदर ले लिए। फ्यूजन ट्यूब के अंदर हमने सोडियम ले लिया। ये जो ट्यूब है वो है फ्यूजन ट्यूब। ओके, अब क्या करना है? अब ये फ्यूजन ट्यूब जो है बेटा, इसको हम यहाँ पे बर्नर रखा होगा हमने, दिस इज बर्नर, बंसन बर्नर। इससे हम इस फ्यूजन ट्यूब को बेटा हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, सो धीरे धीरे ये सोडियम है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन करना था वो आपने अंदर डाल दिया। अब वापस से हम इसको हिट करेंगे दोस्तों, अब इसको वापस से हिट करेंगे। जब आप इसको और हिट करोगे उसके बाद आपको लेना है एक डिश, चाइना डिश ले लो आप। चाइना डिश के अंदर आपको रखना है यहाँ पे पानी। ठीक है, कूल वाटर, कूल वाटर लाइक अस, हम बड़े कूल हैं, ऐसे कूल पानी लेना है बेटा। और ये जो फ्यूजन ट्यूब जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम को आपने हीट किया था, इसके अंदर डाल दो और आपको इसको फोड़ देना है, इसको ब्रेक कर देना है। अच्छा, ये अंदर ब्रेक होने के बाद जो भी सोल्यूशन बनेगा उसको आप हीट करोगे जब तक ये सोल्यूशन 1/3 ना हो तब तक। अच्छा, आपने इसको हिट कर दिया, 1/3 हो गया सोल्यूशन, फिर आपको इसको फिल्टर करना है। अब ये जो फिल्टर करा ना, इसको हम बोलते हैं लेसाइन सोल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको समझ आया कि नहीं आया बेटा आपको समझ में? समझ आ गया आपको कि मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ इसको? समझ आया बेटा आपको? चलो, मैं ये पूरा मेथड जो है यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा हूँ, आप देख लो। ये रहा बेटा, देखो आपके स्क्रीन के सामने। आई होप आपको क्लियर होगा ये पिक्चर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें लेना है बर्नर। चलो, हमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हमें उसके अंदर सोडियम लेना है। सोडियम लेने के बाद हमें उसके अंदर दोस्तों ऐड करना है। क्या ऐड करना है सोडियम लेने के बाद बेटा? सोडियम और ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, उसको हमें हिट करना है बेटा बर्नर पे। ठीक है, हिट करने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सोडियम एंड ऑर्गेनिक सैंपल इज हिटेड अप टू रेड हॉट। रेड हॉट इग्निशन ट्यूब इज प्लंग्ड इन 10-15 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, और ये वाटर कूल होना चाहिए। फिर ये कंटेंट को हम बॉइल करेंगे जब तक ये 1/3 ना हो, और फिर इसको हम फिल्टर करेंगे। ये जो फिल्टर बेटा आया ना, इसको हम बोलेंगे लेसाइन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको समझ आया बेटा? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब लेसन सॉल्यूशन बन चुका है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया था। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होगा तो सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके NaCN फॉर्म होगा। यहाँ पे X होगा बेटा तो NaX फॉर्म होगा, इन प्लेस ऑफ X यहाँ पे Cl, Br और I हो सकता है। सल्फर होगा बेटा तो यहाँ पे Na2S फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको याद रखना था। चलिए अब डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ये हमने पढ़ लिया है। मैंने ये पेज आपको फिर से शो कर दिया है कि अगर नाइट्रोजन होगा तो सोडियम साइनाइड बनेगा, हैलोजन होगा तो सोडियम हैलाइड बनेगा और सल्फर होगा तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने थियोरिटिकल देखा कि सोडियम जो था उसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया होगा। तो यहाँ पे NaCN बनेगा, X होगा तो यहाँ पे सोडियम हैलाइड बना होगा, सल्फर होगा तो सोडियम सल्फाइड बना होगा। आया आपको समझ में? तो ये तो हमने थियोरिटिकल देखा, प्रैक्टिकली क्या करेंगे? चलो प्रैक्टिकली अब देखते हैं बेटा। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन देखते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है, जैसे लेसाइन सॉल्यूशन जिसको हमने बोला था, लेसाइन सॉल्यूशन जो है या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे, लेसाइन सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया था ना कैसे प्रिपेयर करना है। बॉइल्ड विद FeSO4, इसके अंदर FeSO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड FeCl3 बेटा ऐड करेंगे। चलिए प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, समझ आ रहा है आपको कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, प्रशियन ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको हम मॉडरेट टू डीप ग्रीनिश ब्लू बोल सकते हैं, प्रशियन मतलब मॉडरेट टू डीप ग्रीनिश ब्लू कलर जो बनेगा कॉम्प्लेक्स, इससे कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो आप, नाइट्रोजन अगर सोडियम और कार्बन से रिएक्ट करता तो NaCN बनेगा, उसके अंदर हमने FeSO4 ऐड किया था पहले तो सोडियम सल्फेट बना, FeCN2 बना। अब इसने रिएक्ट किया अगेन NaCN के साथ तो Na4FeCN6 बनेगा। Na4FeCN6 जो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म हुआ है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, Na4FeCN6 जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसके अंदर हमने आगे क्या ऐड किया? FeCl3। तो प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बना जिससे कंफर्म हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर दोस्तों? समझ आ रहा है बेटा आपको? तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेजेंस हमने कंफर्म कर लिया है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन डिटेक्ट किया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सोडियम एक्सट्रैक्ट को बॉइल करेंगे FeSO4 के साथ, ठीक है, FeSO4 के साथ बॉइल करने के बाद H2SO4 ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड करने के बाद हमें ऐड करेंगे इसके अंदर FeCl3। तो यहाँ पे प्रशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको फेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ पे बेटा, मैं लिख देता हूँ क्या बोलते हैं, फेरो, फिर क्या बोलेंगे, फेरी साइनाइडो, साइनाइडो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, फेरो फेरी साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ऑपरेशन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। दिस टेस्ट फेल्स इन केस ऑफ डायजो कंपाउंड, अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायजो है तो ये टेस्ट नहीं होगा। इफ नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ रिंग सिंस दिस लॉस N2 ऑन हिटिंग, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जिसमें देखो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड में से लॉस हो जाता है जब हम इसको हिट करते हैं तब, तो ये टेस्ट शो नहीं करेगा। सल्फर के लिए बात करें तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो था
उसके लिए सल्फर के लिए हमें जो सोडियम एक्सट्रैक्ट था उसके अंदर क्या ऐड करना है, एसिडिक एसिड ऐड करना है और लीड एसिडेट ऐड करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेंगे लीड सल्फाइड के, तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर डिटेक्ट हो जाएगा। अगेन सोडियम एक्सट्रैक्ट जो था वो सल्फर के साथ सोडियम सल्फाइड बनाएगा, लीड डाइएसिटेट हमने ऐड किया जिससे लीड सल्फर बना, लीड सल्फाइड बनेगा PbS जो ब्लैक प्रेसिपिटेट शो करेगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। चलिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर अगर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं बेटा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो पर्पल कलर आएगा, ये भी सल्फर का प्रेजेंस शो करता है। तो सल्फर डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक तो हम लेसेंस सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक एसिड और लीड एसिडेट ऐड कर सकते हैं, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे जिससे सल्फर डिटेक्ट हो जाएगा, या फिर हम सोडियम जो एक्सट्रैक्ट है लेसेंस सॉल्यूशन उसके अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अगर हम ऐड करेंगे तो पर्पल कलर आएगा जिससे कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। ये रहा देखो Na2S के अंदर मैंने क्या ऐड किया बेटा, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, क्या ऐड करा मैंने, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये है ये कॉम्प्लेक्स जो आपके सामने आप देख रहे हो, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO। तो यहाँ पे Na4FeCN5NOS बनेगा जो पर्पल कलर का है, जिससे कन्फर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे के सल्फर प्रेजेंट। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, अगर दोनों हैं तो यहाँ पे NaSCN बना होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaCNS, ऐसे भी हो सकता है NaSCN ऑन एडिशन ऑफ FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे ब्लड रेड कलर शो करेगा, ये ब्लड रेड कलर जिससे कंफर्म हो जाएगा नाइट्रोजन भी है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो दोनों प्रेजेंट हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा FeCl3 जिससे कंफर्म हो जाएगा ब्लड रेड कलर। देखिए बेटा ये रिएक्शन आपके सामने हो गया, NaCNS और NCS जो है उसके अंदर FeCl3 ऐड किया, तो FeCN थ्राइस ब्लड रेड कलर्ड FeCNS बनेगा थ्राइस। अब हैलोजन की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हैलोजन का टेस्ट करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे बॉयल करेंगे HNO3 के साथ, सबसे पहले हम HNO3 के साथ बॉयल करेंगे ताकि यहाँ पे सोडियम साइनाइड जो है, ओके सोडियम साइनाइड जो है और सोडियम सल्फाइड जो है NaCN और Na2S ये यहाँ पे डिकम्पोज हो जाए, समझ आ रहा है आपको, क्योंकि हैलोजन का टेस्ट करेंगे तो नाइट्रोजन और सल्फर अंदर इंटरफेयर करेंगे ना, इसीलिए पहले नाइट्रोजन को और सल्फर को NaCN और Na2S को इन द फॉर्म ऑफ HCN एंड H2S हमें इसको डीकम्पोज करना होगा, फिर हम हैलोजन का टेस्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ Na2S को इसको अच्छे से हम लिख देते हैं कि हैलोजन का टेस्ट करने के पहले हम Na2S और NaCN को कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करके डीकम्पोज कर देंगे, फिर टेस्ट करेंगे, तो सल्फर इन द फॉर्म ऑफ H2S गैस डीकम्पोज होगा और NaCN इन द फॉर्म ऑफ HCN डीकम्पोज हो जाएगा, फिर हम उसके अंदर AgNO3 डालेंगे, देखो फिर उसके अंदर हम AgNO3 डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो AgCl कन्फर्म, AgNO3 डालने पे वाइट प्रेसिपिटेट AgCl कन्फर्म करेगा विच इज सल्यूबल इन NH4OH, जिससे क्लोरिन कन्फर्म हो गया बेटा। चलिए पेल येलो PBT बनेगा विच इज स्प्रिंगली सल्यूबल इन NH4OH, तो ये यहां पे कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन,
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसा कलर आएगा? पेल येलो, पेल येलो कलर का आएगा बेटा, डल येलो इसको हम बोल सकते हैं, पेल येलो मतलब डल येलो कलर। तो इससे कंफर्म हो जाएगा बेटा, क्या कंफर्म हो जाएगा बेटा? ब्रोमीन प्रेजेंट, ऐसा कंफर्म हो जाएगा। येलो आएंगे प्रेसिपिटेट, तो इनसॉल्युबल होंगे जो NH4OH के अंदर, तो यहां पे आयोडीन कंफर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब फास्फोरस का टेस्ट थोड़ा अलग है इन सब से। फास्फोरस के लिए कंपाउंड लेंगे हम, लेसाइन एक्सट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूं बेटा, लेसाइन एक्सट्रैक्ट हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए, सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए और हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फास्फोरस के लिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम परोक्साइड डालना पड़ेगा, समझ आ रहा है? जिससे फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फेट के फॉर्म में, फॉस्फेट मतलब PO4-3। नाउ इसको हम बॉइल करेंगे HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट डाल के, येलो कलरेशन आएगा, येलो कलरेशन आएगा, प्रेसिपिटेट आएंगे, PPT आएंगे, फास्फोरस प्रेजेंट है कंफर्म हो जाएगा। तो अगेन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, हमने अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर Na2O2 डाला, फिर हमने HNO3 डाला, बॉइल किया और अमोनियम मॉलिब्डेट डाला, तो कंफर्म हो गया फास्फोरस प्रेजेंट है। देखिए रिएक्शन है ना, पहले यहां पे जो फास्फेट बना था उसके अंदर हमने क्या डाला? HNO3, फिर डाला अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट डाला उसके अंदर, अमोनियम मॉलिब्डेट डालने से NH4 thrice PO4-12MOO3 बनेगा, येलो प्रेसिपिटेशन आएगा, तो कंफर्म हो जाएगा यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? फास्फोरस। आई होप बेटा ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा एप्लीकेशन है JS Army, वो आप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल में, उसमें 11th मॉड्यूल ऐसा एक फोल्डर होगा, उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री PDF होगा, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ये पूरा थ्योरी जो है मैंने अभी आपको पढ़ाया वो पूरा अटैच किया हुआ है, तो ये फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर बेटा आप एप्पल यूज़ कर रहे हो, अगर आप iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको एक कोड यहां पे पूछा जाएगा, जो कोड आपको लगाना है FSNJF। ये कोड अगर आप लगाओगे बेटा तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए फिर अगेन यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, 11 के मॉड्यूल में जाना है स्टडी मटेरियल में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी मैंने अटैच कर दिया है, उसके अंदर ये पूरा PDF अवेलेबल है बेटा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बेटा, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कितना यूज़फुल रहा, और प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें इस एप्लीकेशन में। और